चलिए सीएस स्टूडेंट्स, आपको आज मिलवाता हूँ एक बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट से जो अब कंपनी सेक्रेटरी बन चुकी है, प्रोफेशनल है। ये 2018-19 के बैच में थी और अब ये कंपनी सेक्रेटरी बन चुकी है। अभी ये सामने से जा रही थी, इसने मुझे देखा और ये मेरे से मिलने आ गई। और ये लक्ष्मी नगर शायद ही आती हैं और आज आई और आज मुझे जब देखी तो यहाँ मेरे से मिलने आ गई और इससे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। लकली आप मिल गए, मतलब इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो आप 2018 के बैच में थे जी, है ना? और ये मुझे अब कैसे याद दिलाई कि मेरे 2018 वाले बैच में थी। 2018 का बैच तो वहाँ होता था साई मंदिर वाली गली में, ऑडिटोरियम, बड़ा ऑडिटोरियम जो था हमारा। उस समय तो 500-600 बच्चे होते थे और उस समय में इतने भीड़ में अब इन्होंने बड़ा अच्छा एक याद कराया मुझे कि सर मैं इकलौती वो स्टूडेंट थी जो नमाज के लिए जाती थी। हाँ, नमाज के लिए जब जाती थी तो मुझे स्लिप देके जाती थी, तो उससे मुझे याद आ गया इनके बारे में। क्लास में तो आप शांत ही रहते थे, ज़्यादा पीछे बैठते थे सर, हमेशा एसी ऊपर नीचे। अच्छा, एसी ऊपर नीचे करते रहते थे, पीछे बैठते थे। अब आप बताओ, कंपनी सेक्रेटरी बन गए, अब ये जो बच्चे हैं ये अब कंपनी सेक्रेटरी बनने आए हैं, तो अगर आप कुछ बताना चाहते हो कि कैसे वो कंपनी सेक्रेटरी जल्दी से बन सकते हैं। तब अगर आप हार्डवर्क करोगे तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ सीएस। अगर हार्डवर्क नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, टाइम से स्केड्यूल बनाओ, डेली बेसिस पे जितना भी आपका चलता है टारगेट्स आपको करने पड़ेंगे और जितना आप टारगेट सेट करते हो तो उसको अचीव भी करो। अगर अचीव नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट डे के लिए अर्ली मॉर्निंग जल्दी करो उसको, या रात को उसको रिवाइज करके सो। मतलब बहुत ज़्यादा आई अंडरस्टैंड कि बहुत डिफिकल्ट होता है ये सारा स्केड्यूल हैंडल करना। मतलब उस टाइम पर हमें लगता है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे या कुछ चीज़ हैंडल नहीं कर रहे, फैमिली फंक्शंस भी हमारे छूट जाते हैं, बट लेकिन हो जाता है सब कुछ मैनेज। एक बार अगर आप सीएस क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि ट्रेनिंग करोगे, प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप जाते हो, बहुत काफ़ी लोगों से भी आप मिलते हो, तो बहुत अच्छा रहता है। अब मुझे फील होता है कि हाँ मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ। आप एकदम प्रोफेशनल हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपकी ट्रेनिंग चल रही है जी। ट्रेनिंग कहाँ कर रहे हो आप? इंश्योरेंस देखो। अच्छा, इंश्योरेंस देखो कंपनी है, उसमें ये अभी ट्रेनिंग कर रही है और ट्रेनिंग एकदम बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है। आपके जो ट्रेनर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का। मेरे सारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत प्यारी स्टूडेंट, बहुत अच्छी स्टूडेंट रही। और देखिए, मतलब कोई इंसिडेंस कि मैं यहाँ बस खड़ा था अपने इंस्टीट्यूट में, वो बाहर शीशे के बीच से इन्होंने देख लिया, इतने से शीशे से दिखा और तुरंत वो मिलने आ गई और कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कहाँ, मालवीय नगर में रहते हो अभी आप? जी, आप अच्छा मालवीय नगर में रहती हैं, फिर गुड़गांव जाती हैं और आती हैं। मुझे लग रहा है इस साल में इनका ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और इनको मेंबरशिप नंबर भी मिल जाएगा लगभग जैसे कमिंग ईयर में, अगले साल में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, एकदम पूरे तरीके से क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो CSICSI का एक प्रेशर होता है ना, सीएस का यही जुनून, जून दिसंबर फिर से जून वाला, उससे आप कम से कम रिलीव्ड हो गए। अच्छा लगता है ये सोचे कि अब इस रिजल्ट में हम नहीं। अच्छा लगता है क्योंकि पहले लगता था प्रेशर रहता था कि अभी रिजल्ट निकला है, अब नेक्स्ट मॉड्यूल करना है या ये, बट मैंने प्रोफेशनल एक बार में दिया और एक ही बार में क्लियर हुआ। प्रोफेशनल एक बार में दिया और एक बार में प्रोफेशनल इन्होंने क्लियर किया। रैंक वन आया था मेरा आगरा में, रैंक वन आया था आगरा में। देखो, इनका रैंक वन आया था आगरा स्टेट में। अब बताइए इससे अच्छा क्या हो सकता है। एग्जीक्यूटिव में मेरी एग्जेम्पशन भी थी, थ्री सब्जेक्ट्स में। अब एग्जीक्यूटिव में भी थ्री सब्जेक्ट में इन्होंने एग्जेम्पशन स्कोर किया था, मतलब सीएस का जो जर्नी है बड़ा ब्राइट रहा आपका। एग्जीक्यूटिव में मेरा एक बार में क्लियर हो जाता, जब यहाँ मैंने दो बार दिया था, फर्स्ट मॉड्यूल एंड सेकंड मॉड्यूल, वो मेरा नहीं निकला। बाद में मैं आगरा वापस गई, मैंने पढ़ाई की, फिर दिसंबर अटेम्प्ट दिया था, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी लॉ में मैं चार नंबर से रह गई थी, वरना मेरे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर थे विद एग्जेम्पशन। चलिए फाइनली हो गया, मतलब सेल्फ स्टडी ये बता रही थी, कोचिंग लिया इन्होंने। कोचिंग जब एक्चुअली क्या होता है, जब कोचिंग लेता है ना बच्चा, सुबह शाम आया गया इतना नहीं तो हाँ, तो थोड़ा सा दो चार महीने सेल्फ स्टडी तो चाहिए। आजकल क्या है, आईसीएसआई ने भी क्या कर दिया, चार महीने पे एग्जाम ले रहा है। मतलब जिनका जनवरी में सीएसडब्ल्यूटी पास होगा उनका भी जून में हो जाता है, तो इतना जल्दी बच्चा में इतना एंजाइटी हो जाता है ना कि बच्चा उसको कर ही नहीं पाता। लेकिन आप लोग के समय में पूरा एक साल का गैप होता था, तो एक साल में क्या 5-6 महीने इन्होंने कोचिंग किया, 5-6 महीने घर में बैठ गई, तो ये आराम से हो गया। सबसे अच्छी बात है, देखो किसी भी तरीके से आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, आईसीएसआई का वो जो जून दिसंबर का प्रेशर है वो खत्म हो गया, अब तो सिर्फ ट्रेनिंग है, स्काई इज द लिमिट। अब जितना मेहनत करोगे उतना लाइफ में आगे बढ़ोगे, है कि नहीं? अच्छा, एक बहुत जरूरी बात मैं अपने सारे स्टूडेंट से आजकल के बच्चों को कहवाता हूँ, इन लोगों का जो यूट्यूब का इतना ज्यादा भूत सवार है इनके ऊपर और इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग यूट्यूब से, जिसकी वजह से रिजल्ट खराब हो रहा है। आप लोग के समय में फिर भी आईसीएसआई का रिजल्ट 20% 18% रहता था, आजकल 5% पर रिजल्ट गिर के आ गया। उसका कारण ये नहीं कि आईसीएसआई, चलो आईसीएसआई भी थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन ये YouTube, Instagram सबसे बच्चा बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और इन्फ्लुएंस होकर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, 10 टीचर को देख रहा है, 200 टीचर की बातें दिमाग में रखने की कोशिश कर रहा है। आप लोग के समय में तो ये सब कुछ होता ही नहीं था, कोई YouTube का कोई खास उतना था ही नहीं, तो आप लोग ना फोकस थे कि भाई सीएस नितेश कुमार जसवाल सर से पढ़ रहे हैं, ये जो बोले यही हमारे लिए कोर्स है। एग्जीक्यूटिव में तो पूरा किया जी, पूरा बुक से ही सेल्फ स्टडी किया, सब कुछ किया। हाँ, तो उस समय बच्चा फोकस था। तो ये जो यूट्यूब का जो बच्चों पे थोड़ा भूत सवार है उसको थोड़ा सा उतारने में मेरी मदद करो। कैसे सर, इन लोगों को तो अपने आप ही समझना चाहिए कि अगर हमने किसी एक टीचर से क्लास ले ली है तो बस उनकी बुक से सेल्फ स्टडी करें। आप 10 बुक्स रखोगे तो नहीं हो पाएगी पढ़ाई, आपको डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगी। और एट अ टाइम जब हमारा एग्जाम होता है उससे एक दिन पहले तो हमें खुद के ही नोट्स बनाने चाहिए, तो और क्या? ये यूट्यूब वगैरह से बहुत ज़्यादा टाइम बहुत आ रहा है आजकल। तो मैं ये देख रहा हूँ, जिस दिन एग्जाम होता है ना, मान लो एग्जाम 2 बजे है, तो 1 बजे तक यूट्यूब पर मैराथन चलता रहता है।
मैं तो कहता हूँ, मुझे लगता है कि बच्चा कैसे, पहले का बच्चा अपने मेहनत पे भी विश्वास करता था कि नहीं हम खुद भी मेहनत करेंगे, खुद से भी हो जाएगा। आजकल इन लोगों की डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, तो मेरा मानना ज्यादा डिपेंडेंसी से भी अपना दिमाग तो इस्तेमाल ही नहीं होता और उसकी वजह से क्या होता है कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, है कि नहीं। तो चलो लास्ट में आप जल्दी से बताओ क्या मैसेज दोगे अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे को कि जल्दी से जल्दी वो सीएस बने। बस ये कि हार्डवर्क करो और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लो, क्योंकि काफी सारी कंपनीज हैं जो वेट कर रही हैं हमारे यहाँ ट्रेनीज आए, क्योंकि बहुत वैकेंसीज है अभी भी। आज अपने मुंह से अपने स्वीट सा नाम बताओ सबको, है ना, आयशा फातिमा, है ना। ये बहुत ही स्वीट बच्ची, कैसे स्वीट बच्ची मैं बताता हूँ। जब भी देखो, जब भी क्लास में होती थी तो ज्यादा मतलब नहीं रखती थी सबसे, लेकिन हाँ बस ये नमाज पढ़ने के लिए चीट देके जाती थी और एसी के साथ क्या करती थी अभी बताओ, पेन से ऊपर नीचे पेन से एसी का वो ब्लेड ऊपर नीचे करते रहते थे, ठंड लगती थी तो ऊपर कर दिया करते थे फिर नीचे। मेरे से डांट वांट नहीं लगता था, एक दो बार आपसे सुना है, एक दो बार डांट सुना, इंजीनियर मत बनो है। अच्छा चलिए, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आपका सीएस का जर्नी बहुत अच्छा रहे और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि चलो आज राह चलते एक बच्ची ऐसी मिल गई जो कंपनी सेक्रेटरी बन चुकी है ना, और इंस्टीट्यूट हमेशा आते रहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।